हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके नोट्स लेकर आई हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वाले चैप्टर के अंदर आपके चार मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेंगी, जिनके नेम है घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर आप इसका बीएससी का हिंदी मीडियम का सिलेबस देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ने हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी मैंने नोट्स में कवर किए हैं। इसलिए आपको जो इस वीडियो में नोट्स मिलने वाले हैं वो एकदम बेस्ट नोट्स होंगे और कम्प्लीट सिलेबस कवर अप नोट्स होंगे इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ से आपके नोट्स स्टार्ट होते हैं। आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, मैं आपको एक एक पेज यहाँ से नोट्स का दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने चारों स्पेक्ट्रोस्कोपी को पहले तो शॉर्ट में समझाया हुआ है, छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़े बहुत इनके जो भी फॉर्मूले हैं वो सब लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल डिटेल में बड़े मार्क्स के अकॉर्डिंग फुल एक्सप्लेनेशन थ्योरी डायग्राम के साथ यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसे देखिए, ऊपर हमने देख ली सारी जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी सबका छोटा छोटा पार्ट। अब यहाँ से आपकी फर्स्ट मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। अब इसकी डिटेल थ्योरी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपके बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सारी चीज़ें इन नोट्स में कवर की हुई है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने इन नोट्स में सब चीज़ें कवर कर दी है। आपको बस ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, इन नोट्स के बाहर से कहीं भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये नोट्स आप अच्छे से कर लेना इस चैप्टर के लिए, प्लस नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बनता है। बस फिर आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कर लेना। बाकी मैं आपको एक एक पेज यहाँ पर इस नोट्स की पीडीएफ का दिखा रही हूँ, तो आप यहाँ से देखकर अपने नोट्स लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए उनके लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लेकिन जिन्हें फ्री में नोट्स चाहिए तो वो वीडियो में से देखकर यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ये नोट्स आपके बीएससी के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट नोट्स हैं, सारी चीज़ें इनमें कवर की हुई है। इसके अलावा बाकी चैप्टर के नोट्स लेने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको अदर चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आप यहाँ से अपने बीएससी के सभी सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स ले पाएंगे। एकदम बेस्ट नोट्स आपकी बीएससी के लिए, जिनसे पढ़कर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपनी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ आईआर। तो ये आईआर की जो एप्लीकेशन है, ये हर बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, या तो वो आपसे सारी एप्लीकेशन ही पूछ लेगा लॉन्ग मार्क्स में, या फिर कोई ना कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन पे अलग से क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लेगा। इसलिए इस वाले टॉपिक को आप ज़रूर करेगा। फिर इसमें नेक्स्ट एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, आईआर स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा के बीच डिफरेंस, ये डिफरेंस भी आया हुआ है काफ़ी बार। बाकी आप ये नोट्स तो अच्छे से पढ़ ही लेंगे, यूट्यूब से आप एक एक टॉपिक सर्च करके समझ लेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये नोट्स हो गए आपके कंप्लीट बीएससी के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स को इन्हें शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी यहाँ से अपना बीएससी का स्टडी मटेरियल ले सकें, अच्छे नोट्स ले सकें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं पर आपका ये पूरा चैप्टर कम्प्लीट हुआ।